हेलो नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर अहमदाबाद गुजरात। आज हम महिलाओं के एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हर महिला ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। ल्यूकोरिया, जिसे मेडिकल टर्म्स में ल्यूकोरिया कहते हैं, सफेद पानी गिरना। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर महिला कभी ना कभी अपनी किसी उम्र में जरूर महसूस करती है। अगर ये सफेद पानी थोड़ा बहुत गिरता है या महीने के एक आध दो दिन गिरता है तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये सफेद पानी ज्यादा दिनों तक गिरता है या उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन या रेडिश हो जाता है, तब ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। तो ये जो तकलीफ है सफेद पानी गिरना, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन ये भी एक कारण हो सकता है। हाइजीन अगर अच्छे से मेंटेन ना रखा जाए तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन लग जाते हैं, जिस वजह से ये वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी एक कारण होता है। आपके बॉडी में अगर पोषक तत्वों की कमी है तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। डायबिटीज में भी होता है। या फिर अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखते हैं, हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते, अपना डाइट अच्छा नहीं रखते हैं, तब आपको ये समस्या हो सकती है। इस तकलीफ के लक्षण क्या है? इस तकलीफ में आपको कमर दर्द होती है, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है अच्छे से, आपको चक्कर आने जैसी भी समस्याएं हो सकती है। हो सकता है कि आपको वजाइनल एरिया में खुजली होती हो या खुजली की वजह से सूजन हो जाती है, उसमें गंदी स्मेल आना, इस तरह के अलग अलग लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसे आप डाइट में शामिल करके और अब इस प्रॉब्लम को काफी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दही। दही जो है इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके वजाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वजाइनल एनवायरमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके इन्फेक्शन कम होने लगता है और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने लगता है। अगर आप रेगुलर लाइफ में नारियल पानी का उपयोग करते हैं, रोज नारियल पानी लेते हैं, नारियल पानी में एक एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोब्स होते हैं, तो जो आपको इस इन्फेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। तो रेगुलर की डाइट में आप नारियल पानी को जरूर शामिल करें। अगर आपको खुजली आती है तो नारियल का तेल का उपयोग कर सकते हैं। नारियल के तेल को उस अफेक्टेड पार्ट पर लगाएं, और ज्यादा खुजली आती है तो आप उसमें नीम का तेल भी ऐड करके और उसको लगा सकते हैं। थर्ड चीज होती है कि आप न्यूट्रिशन अच्छा लें, मतलब आप हेल्दी खाना खाएं। बाहर का जो तेल मसाले वाला तला हुआ भोजन है, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा गरम मसाले वाला जो भोजन होता है उसे अवॉइड करें। ठंडी चीजें खाएं और अच्छी चीजें खाएं जो आप घर पर बना के सात्विक भोजन, सादा भोजन ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं जिससे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो घर पर जो बेस्ट ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं वो है हिप बाथ करना। हिप बाथ का मतलब होता है कटी स्नान। गर्म पानी का टब लीजिए और उसमें कुछ नींबू की बूंदे डालिए और फिर उसमें बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट रोज बैठे और फिर बैठने के बाद आप निकले, उस एरिया को पूरी तरह से ड्राई करिए। वहां पर नीम का ऑयल या फिर आप कोकोनट ऑयल लगाइए, वो आपको सूजन को, खुजली को कम करेगा, गंदी स्मेल को भी कम करेगा। सुबह शाम इस चीज को करते रहिए। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो मिट्टी पट्टी। आप पेट पर मिट्टी पट्टी रख सकते हैं या लपेट भी बांध सकते हैं, ठंडे पानी का पोता रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से धीरे 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 आपका जो वीकनेस है वो खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो आप घर पर करके ठीक हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो है हाइजीन को मेंटेन करना। आपको एक अच्छा हाइजीन मेंटेन रखना है। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपको इस एरिया को अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद ही आप अपना अंडरवेयर पहनिए। इस चीज को, वजाइनल एरिया के हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। डाइट तो अच्छा लेना है, ट्रीटमेंट से भी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप जो भी अंडरवेयर यूज कर रहे हैं वो कॉटन का होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। गीला या पसीने वाला अंडरवेयर नहीं चलेगा।
जब भी आपको लगता है कि ज्यादा पसीना हो रहा है, ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप अपना जो अंडरवेयर है उसे चेंज कर लीजिए। ये चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो सुबह शाम आप हिप बाथ लीजिए, उस एरिया को ड्राई करिए, वहां पर ट्री ट्री ऑयल, जो कोकोनट ऑयल है या नीम ऑयल को अप्लाई करिए और फिर आप रेस्ट करिए, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही जरूरी है हाइजीन को मेंटेन करें और हेल्दी रहें। महिलाओं को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके परिवार का आप देखभाल कर सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके परिवार की आप देखभाल नहीं कर सकते। तो आजीवन दवाइयां नहीं, नेचुरोपैथी और योग को अपनाइए। नमस्कार।